आई भाई क्या 180 डिग्री रोटेट करके मार रहा है भाई ये बंदा। आई साहब M4 ग्लेशियर गॉड रिवॉर्ड इजी। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? तो आज की वीडियो आप लोगों को काफी मजा कराने वाली है। स्टिंग लेस वगैरह पकड़ लो, क्लचेस काफी खतरनाक होने वाले हैं, तो वीडियो जरा से भी मिस मत करना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने क्लचेस की तरफ। सीन ये होता है कि मैं रिकॉल होकर अपार्टमेंट में लैंड होता हूं तो एक टीम मेरे पे रश कर देती है। इतना कोई एक्सप्लेन करने वाला कोई सीन नहीं है इस क्लच में, क्योंकि यार ये लोग जल्दी में रश करेंगे और सेकंड सी कहानी में इनको ना मैं यस करूंगा। क्लच आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा, तो क्लच ओके करो बस आप लोग। ये जो लास्ट बंदे को मैंने किल किया ना, लाइक इसको दोबारा गौर से देखना, इसको बड़े प्यार से मैंने चुप करा है, बड़े स्मूथली वे में नीचे गिरा है, बड़ा लाइक मजे का सीन था। आप लोग दोबारा देखना। खैर हमारा ये क्लच यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लच पे। सीन ये होता है गाइस, मैं ना बंदे ढूंढ रहा था और मैं पुचिंके से गुजरता हूँ तो मुझे अचानक से ना एक बंदे के फुटस्टेप का साउंड आ जाता है, तो मैं बग्गी फौरन से रोकता हूँ, तो बाद में पता चलता है ये ना पूरी टीम होती है। आप लोग क्लच चेक करना बस। लो जी ये यल्ला मौली करवाने लगा। ओए होए होए होए, क्लच बड़ा यो किस्म का हुआ है यार इन पे, तुम यल्लो सारी जिंदगी मौली ही करवाना। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट क्लच पे। नेक्स्ट वाला क्लच जो है ना वो इसी मैच का क्लच है। हाकिम एक टीम से फाइट ले रहा था और वो हाकिम को यस कर देता है, तो मैं ना फौरन से अपनी एंट्री मारता हूँ। मेरे पास MK होती है और आप लोगों को पता है फिर MK कितनी खतरनाक चीज है। इनकी ना मैं तबियत यस कर दूंगा, बड़ा मजे का क्लच होने वाला है। तबियत तो ये लोग मेरी भी यस करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है आपका भाई तगड़ा है, तो आप लोग ना बस क्लच यस करो। तो गाइस हाकिम का रिवेंज हमने ले लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लच पे। यार मैं ना इस अपार्टमेंट में होता हूँ और साइड से एक डायनासोर गुजर रहा था, तो मैंने ना टैप टैप करके उन्हें रोकने की ट्राई की। वो रुक तो जाते हैं लेकिन ऐसा अंधों की तरह रश करते हैं, मुझे लगता है उन्हें लॉबी में कोई और बंदा मिल नहीं रहा था। मैं मिला हूं तो उन्होंने अंधों की तरह रश किया, देखना आप लोग बस सीन ये। ये ना गाइस सिर्फ तीन ही थे, आई थिंक इनके पास रिकॉल था क्योंकि डायनासोर पे थे, इवेंट से ही आए होंगे। तो खैर हमारे ये क्लच यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लच पे। गाइस ये क्लच आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने वॉइस ओवर इस पे इसलिए नहीं किया क्योंकि इंटेंस क्लच था, सारा मजा खराब हो जाता। लास्ट वाले बंदे पे तो मेरी M249 में सिर्फ 7 गोलियां और AK में 3 गोलियां रह जाती है, मैंने उस हील के बगैर ही रिलोड के बगैर ही नॉक कर देता हूँ। खैर यहाँ से मैं गुजर रहा था तो पीछे से मुझ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और इनका एक बंदा सामने भी होता है, पता नहीं कैसे बच जाता मेरी गाड़ी से। खैर मैं यहाँ से गुजर के ना सामने घर में चला जाता हूँ, कवर पकड़ता हूँ और ये लोग वहीं पहुंच जाते हैं। तो और ना गाइस मेरी MS भी हाई होती है, क्रॉस सर्वर लो भी होती है, इस MS पे यू नो क्लच करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन पे क्लच बड़ा मजे का करता हूँ। चेक करना आप लोग। Marked a location. Marked a location.
ओ अच्छा अच्छा यार, ये मेरी गाड़ी के नीचे आके इसलिए नहीं मरा क्योंकि इसका मरना ना मेरे हाथों लिखा था। खैर हमारा ये क्लच यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अब चलते हैं अगले क्लच की तरफ। सबर करो येल्लो, सबर करो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, खुद चल के आऊंगा। मेरे बेचारे डायनासोर पे तुमने तशद्दुद किया है, बेचारे का क्या कसूर था? तुम्हारा सॉफ्टवेयर मैं अपडेट करता हूँ, सबर करो। एक जलाना सामने सीढ़ियों पे पहुंच गया, सबर करो, इसका मैं जरा ना इलाज करता हूँ। दूसरा येल्ला भी ना सीढ़ियों पे पहुंच गया, इसको भी ट्रिक करते हैं जरा। इन्होंने जो मेरे बेचारे डायनासोर पे तशद्दुद किया ना, उसकी वजह से इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना मेरे लिए फर्ज हो गया था। खैर ये सिर्फ तीन ही थे, हमारा ये क्लच यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं यार रिएक्शंस की तरफ, जहाँ पे किंग एनिब्रू ने मेरे रिफ्लेक्सेस पे और मेरे क्लचेस पे रिएक्ट किया था। काफी मजे के रिएक्शंस है ना, तो आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा। ओके यहाँ पे गोली मारता है लुबड़ी के, भाई घूम के दे दिया भाई, भाई इतनी महंगी गाड़ी को गोली मारोगे कोई भी घूम के मारेगा ऐसे। भाई भाई क्या 180 डिग्री रोटेट करके मार रहा है भाई ये बंदा। भाई साहब M4 ग्लेशियर गॉड रिवॉर्ड, गलत मारता है भाई, कहां से कहां इन जा रहा है इसका, डायरेक्ट बंदे के सिर पे भाई। भाई प्रैक्टिस हो तो ऐसी हो भाई, कैप गैंग सीख जाओ तुम भी, ये ऐसे ही मारना बंदों को। सेटिंग देख लो भाई की सारी गायरोस्कोप वाली, मस्त टपाटप देने का प्लेयर्स को। भाई साहब भाई कैसे ही? कैसे घूमता है बे, शॉट मार दिया आसमान में उड़ के। अरे ये तो बढ़िया ट्रिक शॉट था। ओके यहाँ पे रश हो रहा है भाई पे, भाई पे M4 बनती है, गार्ड करे राइट से बंदा है, उसको डैमेज पड़ा है ग्लेशियर के साथ। AKM से राइट पीक लेके डैमेज देके बंदे को नॉक किया, नाइस भाई। भाई तीसरा बंदा आ रहा है 1 HP इस पे, हाई आई क्यू खेल गया भाई। अब हमारे यहाँ पर क्लियर आते हैं, ओह ये भाई ने गलत दे दिया भाई आखिरी बंदे को ड्रॉप शॉट। एक और बंदा आया, वाओ बे ये लड़का खेल गया भाई। हाँ तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को रिएक्शन? रिएक्शन क्यों ना अच्छा लगता है भाई, रिफ्लेक्सेस थे कैसे ना। खैर यार ये मैंने ना पहले भी पोस्ट किया हुआ है यूट्यूब पे और टिकटॉक पे भी, आप लोगों ने काफी दफा देखा होगा। ये मैंने इसलिए पोस्ट किया क्योंकि यार पहले ना पहले जो पोस्ट किया था उस पर मैक्सिमम 4K या 4.5K के व्यूज थे, लाइक चैनल काफी स्टक से रहता था ना, चैनल उस टाइम रनिंग में नहीं था। अब ऐसा ना चैनल खुल सा गया, व्यूज आने स्टार्ट हो गए, तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये दोबारा पोस्ट कर दूं, तो इस वजह से मैंने पोस्ट कर दिया। बाकी बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा पोस्ट कर दूं। खैर यहाँ पे ना एक बंदा मेरे पे रश करता है, एक को नॉक किया, दूसरे को नॉक किया, और इनका तीसरा बंदा ना सातवें अपार्टमेंट में होता है, तो मैं सुकून से रिलोड करता हूं, रिलोड करके सीढ़ियों में जाके लाइक उसका वेट करता हूं, टीपी भी लेता हूं, और तब तक वो भी पहुंच जाता है, और ऐसे हमारा ये क्लच यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लच पे। ओ यल्ले इधर हूं मैं, इधर देख। ओके गाइस ये क्लच भी यहाँ पे यस हो जाता है, जिसमें से एक बंदा मैंने नेट से नॉक किया, बाकी दो बंदे मैंने जिगल से नॉक किया। खैर वीडियो भी यहाँ पे एंड होती है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।